अब बात करेंगे आग का तांडव देखने को मिला। जोधपुरवासी इंडस्ट्रियल एरिया के फेज वन में स्थित जेपी हैंडीक्राफ्ट में गुरुवार को शाम अचानक आग लगी और फैक्ट्री में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पर आग लगने की वजह से पूरी फैक्ट्री भरभरा कर गिर गई। फैक्ट्री में आग लगी तो सूचना दी गई पुलिस कंट्रोल रूम में, तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया। देर रात तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने तक जुटी रही। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये तस्वीरें जो हैं बहुत डरा देने वाली तस्वीरें हैं। इतना विकराल रूप आग ने धारण किया हुआ है, कैसे ये आग लगी ये भी बताइए और इस वक्त क्या स्थिति? गगन, मैं बता दूं, जिस तरह से ये आग लगी थी उसका अभी कारणों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने के साथ ही पूरी रात फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे थे और अभी भी जो मौके के जो हालात है, हालांकि आग को तो नियंत्रण कर लिया लेकिन अंगारे जो है उसमें से कहीं रह कर जो है धुआं और लपटें निकल रही है, उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर लगा रखी है। अगर बात करें देर रात से लेके अभी सुबह तक जो गाड़ियां हैं, करीब 50 से 60 चक्कर गाड़ियां लगाई थी, 13 गाड़ियां कुल थी जिन्होंने 50 से 60 चक्कर लगाकर इस आग को बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन कह सकते हैं कि इतने अथक प्रयास के बावजूद भी फैक्ट्री में रखा हुआ कोई भी माल नहीं बचा सके और बिल्डिंग तक भरभराकर गिर गई। काफी नुकसान हुआ है फैक्ट्री मालिक का। अब प्रशासन और फायर ब्रिगेड इस बात को जांचने में रहेगा कि किस कारण से ये आग लगी, लेकिन कह सकते हैं बहुत बड़ी आग थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने कम संसाधन होने के बावजूद भी रात भर मेहनत काफी की है। जी, फैक्ट्री का मालिक सामने आया? बिल्कुल, फैक्ट्री मालिक है जो संतोष शर्मा है, उनसे वो रात को मौके पर थे और अभी भी वो मौके पर ही है, लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ है ये जो प्रशासन के लिए चुनौती वाला है। गगन, मैं बता दूं, चुनौती इसलिए है कि पिछले हफ्ते हमने दिखाया था, उससे पहले ही हमने जनता का मुद्दा दिखाया था कि जोधपुर और प्रदेश में फायर ब्रिगेड की काफी कमी है, पुरानी गाड़ियां होने के कारण से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। चाहे बात करें पिछले हफ्ते नोबल आर्ट में आग लगी थी और कल ये जेपी आर्ट है हैंडीक्राफ्ट में जो ये आग लगी थी, तो कह सकते हैं कि कल भी जिस तरह के प्रयास किए गए, कई बार ऐसी हालत हो गई थी कि गाड़ियां समय पर पानी लेकर नहीं पहुंच पाई तो आग बुझने के बाद वापस लग जाती थी, तो ऐसी समस्या बार बार आ रही है। हालांकि रिको के डायरेक्टर है जो सुनील परियार, उनसे हमारी जब रात को बात हुई तो उन्होंने बताया था कि जयपुर में मुख्यमंत्री ने रिको को 13 गाड़ियां देने का फैसला किया और जल्दी ही जोधपुर में आग बुझाने के लिए गाड़ियां मिल जाएगी, लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैक्ट्री मालिक है वो इन नियमों का भी पालन नहीं करते हैं, जो फायर नॉर्म्स है सेफ्टी के उसकी पालन नहीं करते, जिसके कारण से जब ये हादसे होते तो इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं जहां माल के साथ साथ पूरी बिल्डिंग तक गिर जाती है। बिल्कुल, ऐसे मामले बार बार जो है सामने आते हैं, बड़ी समस्या है और कई तरह के सवाल भी उठ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए।